यूपी के सीतापुर में आने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम व सीओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु सभी लोग तैयार रहें। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में संवेदनशीलता के कारकों का पता करके उसके निराकरण की प्रभावी कार्यवाही की जाए। मतदान केंद्रों पर असामाजिक दबंग व मतदान को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाए, ताकि इन मतदान केंद्रों पर लोग स्वतंत्र होकर अपना मतदान कर सके। डीएम ने कहा कि भ्रमण के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को भी देखें। यदि कहीं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मिले तो तत्काल कार्यवाही की जाए। दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार ने बताया कि निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान संपन्न कराने के लिए असामाजिक और दबंग लोगों को चिन्हीकरण एवं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, नगर मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश उपाध्याय सहित जिले के आला हुक्मरान मौजूद रहे। ये सारी चीजें वहाँ पे होनी चाहिए। किसी भी दशा में हम लोगों के पास इतना समय नहीं है, नहीं रहेगा कि हम लोग वहाँ पर जाकर के देखें। लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता पड़ गई और जाके देखने की जरूरत पड़ी और कहीं कोई असुविधा हुई वहाँ पे किसी को, या कोई इस तरह का बिहेव किया गया, या कहीं अनियमितता की शिकायत पाई गई, तो फिर सीधे कार्रवाई ही होगी। फिर उसमें जाँच और बहुत सारी चीजें वो सब नहीं देखा जाएगा।